तो हेलो एवरीवन, आपका एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो पठान 2 से दोस्तों काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, काफ़ी बड़ी अपडेट। और ये न्यूज़ दोस्तों कल रात को ही आनी शुरू हो चुकी थी, लाइक 1:30 से 2 बजे के आसपास। लेकिन मैंने उस टाइम पे वीडियो बनाना ठीक नहीं समझा, मैंने सोचा यार सुबह ही बनाऊँगा और सुबह ही आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। देखो भाई, सबसे बड़ी अपडेट इस टाइम पर निकल के आ रही है। और ये अपडेट देखो, जो भी दिन में भी आ रही थी, लेकिन उस बात को इतना ज़्यादा लोगों ने भाई नहीं लिया, लाइटली ले रहे थे कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इस बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में बता, काफ़ी टाइम पहले 2-3 महीने पहले ही मैंने आपको बता दिया था, जब पठान 2 अनाउंसमेंट ठीक से हुई भी नहीं थी, मैंने जब ही बोल दिया था तो मैंने देखा ऐसा होने वाला है और ऐसा ही होगा, क्योंकि YRF में यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू नहीं आती है किसी भी की भी। अब यहाँ पर हुआ क्या है, देखो 1-2 दिन से काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स अफवाह फैल रही थी कि भाई यहाँ पर YRF अपना जो डायरेक्टर है वो रिपीट में नहीं करता है। इवन आपने देखा वॉर में सिद्धार्थ आनंद ने इस मूवी को डायरेक्ट किया, एंड अब जो सेकंड पार्ट है उसका डायरेक्ट हो रहा है, कौन कर रहा है, आयान मुखर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए कि वॉर काफ़ी अच्छी हिट रही थी, तो इस बिहाफ पे फैंस का जो एक कहना था कि भाई वॉर 2 भी आप सिद्धार्थ आनंद से ही डायरेक्ट करवाएं। अब एक आदमी भाई किन किन मूवीज़ को डायरेक्ट करेगा, वॉर 2 को भी डायरेक्ट करता, फिर पठान को भी करता, तो इतना ज़्यादा बोझ जो है सिद्धार्थ आनंद के सर पे दिया नहीं आदित्य चोपड़ा ने। और आदित्य चोपड़ा का खुद का भी कहना है कि भाई मैं एक कंटेंट को, जैसे कि पठान का अब सीक्वल जो आने वाला है, इस तरीके के जो पार्ट आते हैं मैं एक डायरेक्टर से कभी नहीं करवाता, क्योंकि मेरा जो मानना है कि मैं अलग अलग तरीके से फाइट को दिखाना चाहता हूं। यानी कि फर्स्ट पार्ट में जो सिद्धार्थ आनंद ने दिया था अपना बेस्ट, मैं चाहता हूं कि अब दूसरा कोई और इस पार्ट को बनाए और वो अपना बेस्ट दे, लेकिन ये चीज़ उससे अलग हो। मतलब पहले और दूसरे पार्ट में वो सिमिलैरिटी नहीं चाहते हैं, ना तो डायरेक्टर्स की, ना ही यहाँ पे सिनेमेटोग्राफी की, और ना ही यहाँ पे स्क्रीनिंग होती है, यानी कि स्क्रीन प्ले की मैं नहीं चाहता हूँ, सेम टू सेम नहीं चाहता हूँ। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ स्टोरी ही यहाँ पर अलग दिखेगी, बाकी सारी चीज़ें सेम दिखेंगी, डायरेक्शन वगैरह सब। हाँ ये है कि जो सिद्धार्थ आनंद है भाई, वो टाइगर VS पठान को डायरेक्ट करेंगे, जो कि भाई स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी होने जा रही है। इवन यहाँ पे जो आलिया भट्ट एंड शर्वरी, इन दोनों की जो मूवी आ रही है, वो जो अभी अनटाइटल मूवी है, इसमें बॉबी देओल को ले लिया है, एंड अब YRF यूनिवर्स में एक बड़ा और विलन हो चुका है। यानी कि अब देखा जाए कि जॉन अब्राहम एंड यहाँ पे इमरान हाशमी, तो चलो खैर इनका मर गए थे, लेकिन अभी बॉबी देओल को दोस्तों अगर यहाँ पे लिया है तो बॉबी देओल का कोई छोटा मोटा किरदार होने तो वाला है नहीं, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे लंबा चौड़ा और बड़ा किरदार लेने वाले हैं और बहुत ही बड़ा यहाँ पे दिखाने वाले हैं बॉबी देओल को, क्योंकि बॉबी देओल का जो स्टारडम दोबारा से भाई पीक पे आया है उसके क्या ही कहने हैं। अनिल अभी एनिमल में क्या उन्होंने काम किया है, फिर अभी कंगुआ में आ रहे हैं, कंगुआ में तो भाई फाड़ ही दिया है, माँ बहन एक कर रखी है, अब यहाँ पे दोस्तों YRF में उन्हें ले लिया है तो क्या ही कहने हैं। अब यहाँ पे दोस्तों पठान 2 को लेकर जो अपडेट आ रही है, मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले अपडेट देखी है भाई, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इनका एक तमिल से डायरेक्टर हैं, उनसे बात चल रही है, इवन इन्होंने कन्फर्म भी कर दिया है, लेकिन अभी नाम नहीं दिया है। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये चीज़ें ना ऑलरेडी बहुत पहले ही हो जाती हैं, मतलब ये चीज़ें अभी जो निकल के आ रही हैं ये अभी नहीं हो रही हैं, जैसे कि अभी आदित्य चोपड़ा जाके बैठे हुए होंगे डायरेक्टर के घर में और बात कर रहे होंगे और किसी ने देख लिया तो फट से उसने सोशल, ये चीज़ें हो चुकी हैं और कन्फर्म पहले ही हो चुकी हैं। अगर सिद्धार्थ आनंद इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे तो ये पहले ही कन्फर्म हो चुका है, और अगर नहीं करेंगे तो ये पहले ही कन्फर्म हो चुका है। देखो मैंने आपके सामने 2 नाम लिए थे जब पठान 2 अनाउंसमेंट हुई थी, मैंने आपसे कहा था या तो देखो YRF यूनिवर्स दोबारा से सिद्धार्थ आनंद को ही इस मूवी से डायरेक्ट करवाएगा, और अगर नहीं करवाता है तो दूसरा नाम एटली का हो सकता है, और दूसरा नाम देखो तमिल सिनेमा से एटली का ही आ रहा है, और जहां तक भाई मेरे को लग रहा है, मेरी जो गट फीलिंग कह रही है भाई एटली, क्योंकि तमिल सिनेमा से एक वो ही ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि एक नया स्टाइल देने में बेस्ट है। अभी जवान जो उन्होंने दिया है कॉन्टेंट शाहरुख खान के साथ में, वो एक अलग ही देखो स्टाइल था, और मुझे लगता है कि शाहरुख खान एंड एटली वो जो दोबारा से यहाँ पे अगर आएंगे ना तो एक धमाल ही मचाएगा। और देखो अभी मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिनों पहले एटली ने एक यहाँ पे इंटरव्यू दिया था, कुछ बोला था, उन्होंने क्या बोला था कि हम बहुत जल्दी साथ में दिखेंगे, तो हम हो सकता है इस बात पे ध्यान ना दे पा रहे हो कि एटली हमें क्या कहना चाह रहे हो, एटली हो सकता है पठान 2 की जो है डायरेक्शन बता रहे हो लेकिन हमारा ध्यान नहीं जा रहा था, हो सकता है वो जो अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट कह रहे थे भाई, हो सकता है कि पठान 2 हो लेकिन
हमारा देव, लेकिन अब जा रहा है, जो अभी बात निकल के आई है कि तमिल तमिल लैंग्वेज से एक तमिल डायरेक्टर को यहाँ पे कंफर्म कर लिया, लेकिन लेकिन यहाँ पे बता दूँ जहाँ से ये बात निकल के आई है नाम वहाँ से भी नहीं आया है, बस यहाँ पे एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट की देर है। मुझे जो लग रहा है भाई, गर्ल फिल्म एटली की आ रही है, अगर सिद्धार्थ आनंद नहीं है तो एटली की आ रही है। बाकी तमिल सिनेमा से पठान जैसी मूवी को मुझे नहीं लगता कि एटली से ज़्यादा अच्छा कोई यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो एक स्टाइल है ना वो सिद्धार्थ आनंद का जो था, वो स्टाइल को कॉम्पीट एटली दे सकते हैं भाई, और मैं किसी और की डायरेक्शन पे इतना भरोसा नहीं कर सकता। सिद्धार्थ आनंद को कॉम्पीट एटली दे सकते हैं और मैं किसी पे भरोसा यहाँ पे भाई कर नहीं सकता, तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे शाहरुख खान के साथ भी अभी जवान में काम करके लौटे हैं, तो मुझे पूरा पूरा गट फीलिंग जा रही है कि शाहरुख खान ने एटली का नाम रिकमेंड किया होगा या फिर खुद आदित्य चोपड़ा ने बात कर ली होगी पहले ही, क्योंकि जब शाहरुख खान एंड एटली का यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखा जवान में, तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे 100% कन्फर्म है कि अगर सिद्धार्थ आनंद नहीं है तो ये लोग डेफिनेटली यहाँ पे एटली से पठान 2 को डायरेक्ट कराने वाले हैं। और इसमें कोई देखो मुझे नहीं लगता कि मायूस होने वाली बात है, जैसा आप सिद्धार्थ आनंद का डायरेक्शन है उससे ही मिलता जुलता एटली का भी है। एटली कोई ऐसा नहीं है डायरेक्टर के वो सुस्त हो भाई, वो देख चुका है पठान और वो चाहेगा कि अगर यहाँ पे पठान अच्छी चली तो मैं पठान से भी अच्छा यहाँ पे डायरेक्शन दूँ, और मुझे लगता है कि बिल्कुल डेफिनेटली ये लोग एटली से ही, अगर तमिल में जा रहे हैं तो बिल्कुल एटली का ही नाम यहाँ पे निकल के आएगा। और मैं भाई मुझे ऐसा पता नहीं क्यों अंदर से फील आ रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे आ सकता है। तो फिलहाल अगर देखो आपको लगता है कि सिद्धार्थ आनंद और एटली में से कौन सा डायरेक्टर बेस्ट है तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ, और हाँ ये ज़रूर बताना कि आपको इन दोनों में से कौन सा डायरेक्टर इस मूवी के लिए चाहिए डायरेक्शन में। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।